क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड सीरीज में धमाकेदार खेल दिखाया और आखिरी वनडे मैच में तो सबसे खास प्रदर्शन था जब पंत और पांड्या ने तूफानी अंदाज में अंग्रेजों को कुचल दिया और भारत को शानदार जीत दिला दी। अब इस जीत में सबसे बड़ा योगदान ऋषभ पंत का था, जिन्होंने 125 रन की धमाकेदार पारी खेली और इसीलिए पंत को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन इतनी शानदार, इतनी अद्भुत पारी और खेल के बाद भी संजय मांजरेकर को पंत पसंद नहीं आए। पसंद क्या नहीं आए, ऋषभ पंत की धज्जियां उड़ा दी और पंत को गैर जिम्मेदार तक कह दिया। हालांकि इस दौरान तारीफ तो की, लेकिन तारीफ करते करते अपनी घटिया वाली भड़ास निकाल ही दी। तो क्या क्या कहा मांजरेकर ने और फिर क्यों हो गया विवाद, और सुनील गावस्कर ने क्या दे दी संजय मांजरेकर को नसीहत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय मांजरेकर अपनी बेबाक और बेलगाम बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले रविंद्र जडेजा को लेकर बेहद ही चुभने वाली टिप्पणी मांजरेकर ने की थी, जिसके बाद जड्डू ने भी मांजरेकर को तीखा जवाब दिया था और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि बीसीसीआई ने संजय मांजरेकर को कमेंट्री पैनल तक से हटा दिया था और मांजरेकर को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। हालांकि संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से माफी भी मांगी थी, लेकिन कोई असर हुआ नहीं और अभी भी संजय मांजरेकर बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से बाहर ही हैं। लेकिन कई जगह फिर भी वो बोलते हैं, कई जगह पर एक्सपर्ट के तौर पर वो अभी भी बैठते हैं। अब जड्डू के साथ हुए इस विवाद से मांजरेकर ने लगता है कोई सबक नहीं लिया है और अब की बार पंत पर हमला बोल दिया। जी हाँ, उसी ऋषभ पंत पर जिसने इंग्लैंड में वनडे जितवाया, इतिहास रचा, उसी ऋषभ पर संजय मांजरेकर ने ऐसी बातें बोल दी जो कि किसी को भी चुभ सकती हैं। असल में संजय मांजरेकर ने पहली थोड़ी बहुत पंत की तारीफ कर दी और पंत के साथ पांड्या का भी जिक्र किया। मांजरेकर ने कहा, पांड्या काफी मैच्योर हो गया और चोट से वापसी के बाद बिल्कुल अलग हार्दिक पांड्या दिख रहा है और अब वो बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी शानदार है। वहीं ऋषभ पंत को लेकर मांजरेकर ने कहा कि पंत के पास कई तरह के शॉट्स हैं और वो उन शॉट्स के जरिए अपना काम आसान कर देते हैं, और जैसा कि उन्होंने विनिंग शॉट पर किया था। मांजरेकर ने कहा, पंत के साथ पांड्या भारत के मिडिल ऑर्डर को हैंडल कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, मांजरेकर पंत और पांड्या की तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन यहीं पर तारीफ करते करते संजय मांजरेकर ने ऋषभ पंत पर भड़ास निकाल दी, क्योंकि बिना गलत बोले, बिना भड़ास निकाले तो संजय मांजरेकर का खाना पछता ही नहीं, ऐसा ही दिखता है। संजय मांजरेकर ने कहा, ऋषभ पंत हाल फिलहाल के दौर में सबसे बड़े गैर जिम्मेदार खिलाड़ी हैं और उनकी गैर जिम्मेदारी से भारत कई मैच हारा है। जी हाँ, संजय मांजरेकर की हैरानी भरी बातें बोली हैं। मांजरेकर ने आगे कहा, पंत ने यहाँ पर हालांकि अच्छी पारी खेली क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी से रन बनाए और अपना गैर जिम्मेदार रवैया घर पर छोड़कर आए थे। मांजरेकर यहीं नहीं रुके, मांजरेकर ने आगे कहा, पंत का गैर जिम्मेदार होना उनकी आदत हो गई है और उन्हें सुधरना होगा, ठीक होना होगा, नहीं तो उनकी जगह लेने के लिए बाकी लोग तैयार हैं और इसी तरह से शतक लगाना होगा, रन बनाने होंगे, ऐसे ही खेलना होगा। अब सलाह देना अलग है, लेकिन मीन मेक निकालना अलग। और मांजरेकर पंत में वैसे ही गलतियां ढूंढ रहे थे जैसे कि कोई दुश्मनी निभा रहा हो, और गलत बोलना ही है तो कुछ भी गलत बोला जाए, भले ही मौका कोई भी हो। और इसीलिए पंत की 125 रन की पारी, पंत का विजयी शॉट, पंत का इतिहास रचना मांजरेकर को याद ही नहीं रहा और कुल मिलाकर ऋषभ पंत पर गैर जिम्मेदार होने का ठप्पा लगा दिया, जबकि विदेशों में बड़ी से बड़ी जीत में ऋषभ पंत का हर बार बड़ा योगदान रहा है। हालांकि सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत की खुलकर तारीफ की और गावस्कर ने मांजरेकर की बात को काटते हुए नसीहत भी दे दी कि आप पिछली गलत बातों को बार बार याद नहीं दिला सकते, अगर आप आज ठीक हो और आगे भी ठीक रहना चाहते हो तो फिर आप ठीक हो। पंत हो या फिर कोई और, किसी को भी उसके पुराने खराब खेल की वजह से, उसके पुराने इंटेंट की वजह से टारगेट नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जबकि उसने मैच जिताया हो, सीरीज जिताई हो, इंग्लैंड में जाकर शतक लगाया हो जहां की बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो जाते हैं। ऐसे में मांजरेकर पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि सुनील गावस्कर तक ने सीधे सीधे संजय मांजरेकर को नसीहत दे दी। अब अगर पंत का प्रदर्शन खराब होता तो फिर भी समझा जा सकता था, लेकिन 125 रन बनाने के बाद भी मांजरेकर का ऐसा कहना, पंत को गैर जिम्मेदार बताना हैरानी भरा। ऐसे में तो सवाल यही है कि आखिर ऋषभ पंत करें तो करें क्या कि जिससे संजय मांजरेकर या फिर उस जैसे और लोग खुश हो जाएं और कम से कम ऐसी पारी की, ऐसे खेल के बाद तो तारीफ कर ही दें। तो कुल मिलाकर आपका क्या मानना है, क्या बीसीसीआई और जडेजा से हुई लड़ाई की खुन्नस संजय मांजरेकर ऋषभ पंत पर निकाल रहे हैं? क्या कम से कम यहाँ पर पंत की सिर्फ तारीफ नहीं हो सकती थी, क्योंकि आलोचना के तो मौके पहले भी आए हैं और आगे भी आलोचना हो सकती है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ तारीफ हो सकती थी तो वहाँ पर सवाल क्यों, सिर्फ तारीफ क्यों नहीं, क्यों संजय मांजरेकर ने ऐसा कहा, संजय मांजरेकर पर इसे लेकर क्या एक्शन होना चाहिए, आपका क्या मानना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो 20 साल पहले नेटवेस्ट सीरीज में जैसे सौरव गांगुली की टीम ने अंग्रेजों को कुचला था और यूवी कैफ जीत के हीरो रहे थे, वैसी ही जीत यहां मिली है और जीत के हीरो इस बार रहे हैं ऋषभ पंत। अब इंग्लैंड में मैन ऑफ द मैच हो या फिर मैन ऑफ द सीरीज या फिर सीरीज जीतने वाला कप्तान, उन्हें ट्रॉफी और इनाम के साथ साथ शैंपेन की खास स्पेशल बोतल भी गिफ्ट की जाती है और यही तीसरे वनडे मैच के बाद भी हुआ। अभी शैंपेन बेहद ही स्पेशल होती है और इसकी स्पेशलिटी भी आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैदान में क्या हुआ। तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को गिफ्ट में शैंपेन की बोतल मिली। अब जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और फोटो सेशन की बारी आई तो विराट कोहली ने रवि शास्त्री की तरफ इशारा करके शैंपेन की बोतल दिखाई और शैंपेन ऑफर कर दी। जी हाँ, रवि शास्त्री स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से मैदान में ही कमेंट्री कर रहे थे और मैदान में पास में ही मौजूद थे और रवि शास्त्री ने विराट कोहली को सम्मान पूर्वक इनकार कर दिया और कहा कि वो लोग एंजॉय करें। अब वहाँ पर विराट तो रवि शास्त्री की बात मान गए, लेकिन ऋषभ पंत कहाँ मानते हैं। जी हाँ, रवि शास्त्री की कोचिंग में पले और बड़े ऋषभ पंत के लिए रवि शास्त्री अभी भी वैसा ही दर्जा रखते हैं जैसा पहले रखते थे और पंत तुरंत ही शैंपेन की बोतल हाथ में लेकर रवि शास्त्री की तरफ दौड़ पड़े। अब रवि शास्त्री भी पंत को देखकर आगे आ गए और वहां पर भी हालांकि रवि शास्त्री ने एक बार फिर से ऋषभ पंत को इनकार किया, मगर पंत तो ठान कर आए थे कि गुरुजी को गिफ्ट करके ही आएंगे और रवि शास्त्री को अपनी शैंपेन गिफ्ट कर दी। अब इस दौरान पूरा स्टेडियम भारतीय खिलाड़ियों को चीयर कर रहा था और पंत के इस जेस्चर पर तो सभी फिदा हो गए थे और रवि शास्त्री ने भी शैंपेन की बोतल उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और शैंपेन की बोतल लेकर अपने पास चले आए और अपने पास रख ली। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये शैंपेन की कोई नॉर्मल बोतल नहीं होती है, बल्कि ये बेहद खास शैंपेन होती है जो कि काफी महंगी है और एक खास तौर पर फ्रांस के शैंपेन शहर से ही मंगाई गई है। जी हाँ, भारतीय करेंसी में बात करें तो शैंपेन की इस एक बोतल की कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा थी, यानी कि बेहद ही महंगी है। शैंपेन अल्ट्रा लग्जरी थी और जिसे पहले विराट ने रवि शास्त्री को ऑफर किया लेकिन रवि शास्त्री ने इनकार कर दिया, तो फिर खुद पंत रवि शास्त्री को देने आ गए और इस जेस्चर पर पूरी पूरा स्टेडियम फिदा हो गया। इसके बाद हर तरफ ऋषभ पंत की तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि चेला हो तो पंत जैसा, शिष्य हो तो पंत जैसा, जिसे अपना गुरु हर वक्त में याद रहता है और खास तौर पर खुशी के वक्त, खुशी के मौके पर ऋषभ पंत अपने गुरु को भूले नहीं और सबसे पहले याद किया और पंत के इस जेस्चर की हर तरफ तारीफ हो रही है क्योंकि शैंपेन बेहद खास थी और पंत को गिफ्ट मिला था, लेकिन पंत ने अपना गिफ्ट, अपनी शैंपेन रवि शास्त्री को दे दी और पूरा एंजॉयमेंट को 4 गुना बढ़ा दिया। तो आपका इस पूरे वाक्य पर, ऋषभ पंत पर, विराट कोहली के जेस्चर पर और रवि शास्त्री को लेकर दिखाई गई रिस्पेक्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।